हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था ने राज्य स्तरीय महिला मंडल सम्मान समारोह का आयोजन भोरंज में किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भोरंज की विधायिका कमलेश कुमारी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 101 महिला मंडलों को सम्मानित किया गया। महिला मंडलों ने इस मौके पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और मुंडखर से आई युवतियों ने तो महिलाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर हिमालयन महिला जन कल्याण संस्था की अध्यक्षा अंजू ठाकुर ने विधायक का समारोह पे आने पर उनका स्वागत किया। महिला मंडलों की महिलाओं का भी कार्यक्रम में आने पर स्वागत किया और नारी शक्ति को पुरुष प्रधान समाज से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि अगले कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा सचिव अंजू शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि भोरंज की विधायिका कमलेश कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को आज सशक्तिकरण होने की आवश्यकता है और साथ में शिक्षित होने की भी आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने महान समाज सुधारक ज्योति व फूले द्वारा उनकी पत्नी को पढ़ाने की कहानी भी सुनाई। महिलाओं के दिलों की धड़कन, महिलाओं की आन बान और शान, भोरंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक मैडम कमलेश जी, बहन अंजू शर्मा जी भी यहाँ बैठी हैं। ये तो बड़ी तेज तरार बहन है हमारी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी टीम है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। मेरी बहनों, मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें चाहती हैं कि आप छोटे से छोटा कोई भी काम करना चाहती हैं, आप अंजू बहन को बताइए, जहाँ भी आप चाहेंगी वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो हम यहाँ भोरंज में स्थापित करेंगे, ताकि मेरी बहनें जो हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हों और बड़े गर्व के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ मैं ज्यादा न कहती हुई एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी संख्या में पधारे और इस कार्यक्रम का मान सम्मान बढ़ाया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।